नमस्कार, मैं मीनू वाजपेयी आज आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जिस कौन सा विषय है ये आप ही बताएंगे। उदाहरण के तौर पर ये क्या है? एक पेन। और ये क्या है? बहुत सारे पेन, एक और अनेक। ये क्या है? एक पुस्तक। ये क्या है? बहुत सी पुस्तकें, एक से अधिक। एक पुस्तक, एक से अधिक पुस्तकें। पुस्तक, पुस्तकें। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज हम वचन अध्ययन करेंगे, एक और अनेक। हिंदी में वचन पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हिंदी में हम दो वचन पढ़ते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन के तीन भेद पढ़े जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम हिंदी में दो वचनों का प्रयोग करेंगे, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन शब्दों के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता चलता है उसको वचन कहते हैं, वचन अर्थात संख्या। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के जिस रूप से हमें उनके एक से अधिक होने का पता चलता है उसको कहते हैं वचन। अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें, बालक, बालिक, समस्त बालक या बालकों, बालिका, बालिकाएं, घर, घरों, वृक्ष, वृक्षों। आपने देखा, ये सारे संज्ञा शब्द जब परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें मात्राएं लग जाती हैं, तो वो अपना रूप बदल देते हैं और उससे हमें यह पता चलता है ये एक से अधिक हो गए हैं। इसी तरह सर्वनाम का उदाहरण लें, मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, मैं एक वचन, हम बहुवचन। वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वह एक वचन, वे बहुवचन। कई बार एक वचन में भी हम शब्द का प्रयोग होता है, वो आत्मसम्मान के लिए या सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्यथा व्याकरणिक दृष्टि से मैं का बहुवचन हम होता है। विशेषण शब्द, छोटा, छोटे, मोटा, मोटे, थोड़ा, थोड़े, लंबा, लंबे, ये विशेषण शब्द हैं। ये विशेषण शब्द अपना रूप बदल करके हमें उनकी संख्याओं के विषय में बताते हैं, तो इसको भी एकवचन और बहुवचन किया कहा जाता है। इसी तरह क्रिया शब्द, रहा है, रहे हैं, खाएगा, खाएंगे, जाएगा, जाएंगे। जब क्रिया का रूप बदलता है तो वह भी हमें अपनी संख्या के विषय में बताता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं अमुक क्रिया एक वचन की है या बहुवचन की। ये हुए वचन को बदलने की बातें। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके वचन कभी नहीं बदलते। उनमें से कुछ हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम आदि। हस्ताक्षर, कर दिए, आंसू आ गए, बाल सूख गए, ये हमेशा ही इनका प्रयोग बहुवचन के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के अंतर्गत आता है, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, आकाश, जनता आदि। जनता शोर मचा रही थी, मचा रही थी नहीं, जनता शोर मचा रही थी। पानी फैल गया, पानी फैल गई नहीं, गए नहीं होता है, दूध गिर गए नहीं होता है ना। ये हमेशा ये शब्द जो हैं एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। स्मरण रखने योग्य बातें हैं कि द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव ही एक वचन के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है, जैसे आप, आपके साथ हमेशा है लगाते हैं, आप आ गए हैं, आप बैठिए। यद्यपि एक वचन एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, हमेशा बहुवचन माने जाते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ और भी शब्द होते हैं, कुछ और उदाहरण होते हैं जिनमें जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब इनसे हमें पूरे समुदाय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इनको एक वचन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे भीड़, पुलिस, जनता, ने, ये सारे एक वचन की तरह, भीड़ बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा एक वचन की तरह होता है। पुलिस, बहुत सारी पुलिस की बात हो रही है, एक पुलिस, लेकिन हम उसको पुलिसों नहीं कहते हैं, हम उसका प्रयोग हमेशा एक वचन की तरह करते हैं। इसी तरह कुछ शब्द होते हैं, इनका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है और कुछ हमेशा एक वचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शब्दों में हम विशेष प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय मतलब कुछ शब्दों के साथ छोटे से अंश लगा देते हैं, शब्दांश लगा देते हैं, उससे वो शब्द बहुवचन बन जाते हैं, जैसे गण, जन, वृंद। अब पक्षी, पक्षियों तो होता है लेकिन जब हम बहुत सारे पक्षी की बात करते हैं और कारक का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम कहते हैं पक्षी वृंद, बालक गण, अध्यापक गण, अध्यापिकाएं, सही है लेकिन अध्यापिकाओं के साथ, अध्यापिकाओं के साथ कारक लगता है, यदि हम कारक नहीं लगाते हैं तो गण, जन, वृंद, लोग, यह शब्द लगाकर भी हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। एक मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, वह है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों वचन में समान होते हैं, ये अधिकतर कोई ना कोई संबंध होते हैं, जैसे दादा, नाना, चाचा, मामा, काका, ये सारे शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों वचन, बहुवचन में चाचा आ गए, चाचा हमेशा चाचा चाचाएं नहीं हो जाएगा, आ गए, एक चाचा हो या बहुत से चाचा हो, उनके लिए आ गए शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये दोनों वचनों में ये शब्द, ये संज्ञा शब्द हमेशा ही समान रहते हैं। ये हुई आज की बात। इसके अलावा स्मार्ट क्लास में एक्स्ट्रा मार्क्स में आपका यह विषय दिया गया है, इस विषय को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें स्मरणीय बिंदु जो दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक याद करिए और अभ्यास कार्य को कॉमेंट शीट पे करना है। धन्यवाद। आज का विषय यही समाप्त होता है। नमस्कार।